बायसिंग, बायसिंग क्या होता है इसको देखते हैं। बायसिंग द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग द एक्सटर्नल वोल्टेज टू पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड इज कॉल्ड बायसिंग। प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग टू एक्सटर्नल वोल्टेज, एक्सटर्नल वोल्टेज टू ए पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड इज कॉल्ड बायसिंग। बायसिंग कहते हैं एक्सटर्नल वोल्टेज टू द पीएन जंक्शन डायोड इज अप्लाइड इन एनी ऑफ द टू मेथड। टू मेथड होते हैं, एक तो फॉरवर्ड बायसिंग होती है और दूसरा जो होता है रिवर्स बायसिंग होता है। यानी बायसिंग का मतलब है कि पीएन जंक्शन डायोड में हमको एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करना है। तो फर्स्ट हम मेथड है अगर नो बायसिंग, नो बायसिंग हो तो क्या कंडीशन होगा। पीएन जंक्शन डायोड में हम लोगों ने देखा था कि मेजॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स होते हैं, और माइनॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में। एन टाइम्स में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं। तो इनके जब संधि जंक्शन हमारा मेड होता है, बनता है, तो मेजॉरिटी कैरियर के कारण डिफ्यूजन करंट फ्लो होती है और माइनॉरिटी कैरियर के कारण ड्रिफ्ट करंट फ्लो होती है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती है। बट आफ्टर सम टाइम ड्रिफ्ट करंट इज इक्वल टू, ड्रिफ्ट करंट जो होती है हमारी इक्वल हो जाती है डिफ्यूजन करंट की, और नेट करंट जो होता है जीरो होता है। यानी अगर कोई बायसिंग नहीं है तो नेट करंट जो होगा वो जीरो होगा इस कंडीशन में। अब फर्स्ट मेथड है जो फॉरवर्ड बायसिंग का, तो फॉरवर्ड बायसिंग हम लोग देखते हैं। इफ़ ए पी एन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड इट अलाउ टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराता है। अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन द पी टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी वेर इज द एन टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यानी आप यहाँ पे देखें कि ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को निगेटिव बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया। अब इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो होते हैं होल्स, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इस कंडीशन में जब ये फॉरवर्ड बायस का कंडीशन होता है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन एंड पी रीजन आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पी एन जंक्शन। यानी होल्स जो होते हैं वो एन के तरफ और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं पी के तरफ मूव करते हैं। एंड द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन रीजन या स्पेस चार्ज रीजन डिक्रीजेड विद डिफ्यूजन ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। यानी यहाँ पे देखें कि ये जो है ओरिजिनल है, ओरिजिनल डिप्लेशन लेयर है, और इस कंडीशन में डिप्लेशन लेयर डिक्रीज कर गई है। यानी रेजिस्टेंस जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, पोटेंशियल बैरियर हमारा डिक्रीज करता है इस कंडीशन में। तो द पोटेंशियल बैरियर इज रिड्यूस, जंक्शन ऑफर्स लो रेजिस्टेंस टू करंट फ्लो। यानी रेजिस्टेंस हमारा लो हो जाता है करंट फ्लो इन द सर्किट ड्यू टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस पाथ। अब यहाँ पे अगर देखें कि अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड हम लोग अप्लाई किए हैं और एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, तो एक्सटर्नल फील्ड है। अगर नो एक्सटर्नल फील्ड, अगर एक्सटर्नल फील्ड ना हो उस कंडीशन में जो हमारी डिप्लेशन लेयर होगी या पोटेंशियल बैरियर होगा उसकी हाइट जो होती है ज़्यादा होती है। यानी पोटेंशियल यहाँ तक, ये यहाँ तक देखें कि ऐसे बना लेते हैं इस तरह से, ये हाइट होगी अगर एक्सटर्नल फील्ड हम अप्लाई नहीं करते हैं। और एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई करते हैं तो हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर जो होता है, यहाँ ये देखें कि हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर जो है हमारी रिड्यूस कर जा रही है इस कंडीशन में। होल्स जो होते हैं टुवर्ड्स द जंक्शन और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं टुवर्ड्स द जंक्शन मूव करते हैं
फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में। अब ये फॉरवर्ड बायस का कंडीशन है, तो यहाँ पे आप देखें कि जो होल्स हैं हमारे वो मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स एन रीजन, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स पी रीजन, यानी इन साइड में। देखिए, एन टाइप रीजन करेंट इज कैरिड बाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वेर इज इन पी टाइप रीजन इट इज कैरिड बाई होल्स, बट इन द एक्सटर्नल कनेक्टिंग वायर द करेंट इज कैरिड बाई फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी एक्सटर्नल सर्किट में जो करेंट हमारी फ्लो होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, और जो पी रीजन में करेंट फ्लो होती है वो होती है होल्स के कारण, और एन रीजन में जो करेंट फ्लो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण, और एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। अब इसका करेक्टरिस्टिक जो होता है कुछ इस तरह से होता है। इस पर हम फॉरवर्ड करंट ले लेते हैं और इस पर वोल्टेज लेते हैं। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ से इस जगह पर 0.7 वोल्ट तक 0.7 वोल्ट तक करंट जो होती है स्लोली फ्लो हो रही है, और यहाँ पे नी वोल्टेज पर अचानक जो होते करंट हमारी इंक्रीज कर जा रही है, तो ये करंट इंक्रीज कर रही है। ये बोलता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड बायस, कैरेक्टरिस्टिक है फॉरवर्ड बायस का। अब हम लोग देखते हैं रिवर्स बायस, सेकंड मेथड था। तो अब इसमें अपोजिट होता है, व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स इज कनेक्टेड टू एन साइड एंड द नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पी साइड, यानी आप देखें तो ये हमारा किससे है, यहाँ पे पी साइड है और एन साइड, ये वाला और ये छोटा कर देते हैं, ये मिस हुआ है माइनस और ये प्लस, यानी एन रीजन जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड पी रीजन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है पी रीजन, और पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं एन रीजन को। अब इस कंडीशन में होता क्या है, देन द जंक्शन डायोड इज सेड टू बी कनेक्टेड इन रिवर्स बायस कंडीशन। इन दिस टाइप ऑफ कनेक्शन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर अट्रैक्टेड अवे फ्रॉम द डिप्लेशन लेयर, यानी जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पी रीजन में होल्स होते हैं और एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये दोनों कहाँ चलते हैं, डिप्लेशन लेयर से अवे चलते हैं। देयरफॉर रिस्पेक्टिव बैटरी टर्मिनल कनेक्टेड टू पी एन जंक्शन, यानी ये होल्स जो होते हैं इधर चलेंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर चलेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होते हैं, और होल्स जो होते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होते हैं। इस कंडीशन में जो डिप्लेशन लेयर या स्पेस चार्ज रीजन होता है उसकी विड्थ जो होती है इंक्रीज कर जाती है। द पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द जंक्शन इन एन साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल अट्रैक्ट द होल्स अवे फ्रॉम द जंक्शन इन पी साइड। एज द रिजल्ट द विड्थ ऑफ द पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेज, पोटेंशियल बैरियर की विड्थ इंक्रीज कर जाती, हाइट इंक्रीज कर जाता है, और डिप्लेशन स्पेस चार्ज जो रीजन होता है उसकी विड्थ जो होती है इंक्रीज कर जाती है। द विड्थ ऑफ फ्री स्पेस चार्ज लेयर इंक्रीजेज, देयर बाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पी एन जंक्शन इंक्रीजेज, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा पी एन जंक्शन का इंक्रीज कर जाता है। एंड देन पी एन जंक्शन डायोड एक्ट एज ए रजिस्टर, यानी रेजिस्टेंस हाई हो जाता है। द करेंट दैट फ्लो इन ए पी एन जंक्शन डायोड ओनली इज द स्मॉल लीकेज करेंट ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर, जो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं हमारे उसके कारण इलेक्ट्रॉन, इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये टूवर्ड्स द जंक्शन चलेंगे और एन रीजन में होल्स होते हैं टूवर्ड्स द जंक्शन चलेंगे, तो माइनॉरिटी कैरियर के कारण करंट फ्लो होती है। मेजॉरिटी कैरियर तो अवे फ्रॉम द लेयर जाते हैं, अवे फ्रॉम द जंक्शन जाते हैं, तो कोई करंट मेजॉरिटी कैरियर से फ्लो नहीं होती है। अब यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड नो फील्ड है, नो फील्ड, तो उस कंडीशन में जो हमारा ये है डिप्लेशन लेयर की हाइट जो होती है कम है, और जैसे हमने एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल के तरफ होगा, तो ये हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर होता है, पहले ये नो फील्ड था तो हाइट इतनी थी, अब फील्ड को हमने इंक्रीज किया तो हाइट हमारी
इतनी बढ़ गई, तो ये हाइट हो जा रही है। और जो हमारा डिप्लेशन रीजन होता है, स्पेस चार्ज रीजन होता है, उसकी भी विड्थ जो होती है इंक्रीज कर जाती है, यानी रेजिस्टेंस जो होता है इंक्रीज कर जाता है। और इस कंडीशन में ओनली माइनॉरिटी कैरियर के कारण जो होती है करंट फ्लो होती है, जिसको बोलते हैं रिवर्स करंट। तो रिवर्स करंट तो कैरेक्टरिस्टिक जो होता है इसका, कि आप देखें तो ये रिवर्स वोल्टेज है और इस पर हमने लिया रिवर्स करंट, और जब इसको हम लोग ड्रा करते हैं तो फाइनली इनिशियली जो होती है करंट हमारी माइनॉरिटी कैरियर के कारण स्लोली फ्लो होती है, बट एट सर्टेन वोल्टेज पर रिवर्स करंट की वैल्यू सडनली इंक्रीज कर जाती है। दिस फिनोमेना इज नोन एज ब्रेकडाउन रीजन। अब यहाँ पे दो चीज़ों को हम स्पष्ट करेंगे, क्लियर करेंगे पॉइंट को। एक तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, एक नी वोल्टेज क्या होता है। तो इट इज़ द मिनिमम रिवर्स वोल्टेज एट विच पीएन जंक्शन ब्रेक डाउन विद द सडन राइज इन रिवर्स करंट, यानी रिवर्स करंट हमारी इंक्रीज कर जाती है। नी वोल्टेज होता है, इट इज़ द फॉरवर्ड वोल्टेज एट विच द करंट थ्रू द जंक्शन स्टार्ट टू इंक्रीज रैपिडली। यानी अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे ये नी वोल्टेज है हमारे पास, और यहाँ से करंट जो फॉरवर्ड करंट है वो हमारी सडनली इंक्रीज कर जा रही है। तो ये हम लोग का था। अब ये एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे जिसको बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन। एवलांचे ब्रेकडाउन फाइनली होता क्या है कि जो हमारे माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, जो माइनॉरिटी कैरियर्स मेजॉरिटी का रिवर्स बायस का कंडीशन होता है, तो मेजॉरिटी कैरियर्स दो अवे फ्रॉम द जंक्शन चलते हैं, बट रिवर्स बायस के कंडीशन में जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो मूव करते हैं टूवर्ड्स द जंक्शन, और टूवर्ड्स द जंक्शन की तरफ चलते हैं, और ये एसलेट होते रहते हैं, एसलेट होते हैं, और एसलेट के कारण इनकी काइनेटिक इनर्जी इंक्रीज करती है, और काइनेटिक इनर्जी इंक्रीज करती है तो डिप्लेशन रीजन में ये एटम से क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रोक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएटेड एंड न्यू इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर एक्वायर्ड काइनेटिक इनर्जी, वो भी काइनेटिक इनर्जी एक्वायर्ड करते हैं, और दिस प्रोसेस इज एक्यूमुलेटेड हो जाता है, और सडनली जो हमारी रिवर्स करंट होती है वो इंक्रीज कर जाती है। दिस फिनोमेना इज नोन एज एवलांचे ब्रेकडाउन, इसी को बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन। तो ये आप देखें कि ब्रेकडाउन वोल्टेज है, इस पर जो होते हैं हमारी रिवर्स करंट जो होती है सडनली इंक्रीज कर जाती है। थैंक यू।